Hello and good morning everybody. Piyush Patel here from Profit From It. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस रिकॉर्डिंग में, जहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कोई भी स्टॉक का, और टेक्निकली और फंडामेंटली किस तरह से उसने बिहेव किया है और आने वाला समय ये किस तरह का बिहेवियर दे सकता है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, राइट? व्हाट्सएप में आप लोगों ने कुछ क्वेरी की थी टाटा एलेक्सी के ऊपर, तो मैं आपको टाटा एलेक्सी के ही एग्जाम्पल से बताता हूं कि किस तरह से स्टॉक के बिहेवियर होते हैं और हम कैसे उससे अच्छा फायदा उठा पाए, राइट? आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाटा एलेक्सी का चार्ट देखते हैं। ये लाइव चार्ट, टेक्निकल चार्ट फ्रॉम एनएससी इंडिया। ज्यादातर मैं एनएससी इंडिया के टेक्निकल चार्ट इस्तेमाल करता हूं, इसको मैंने मंथली और 1980 से जस्ट मैं चेक करता हूं। दिस इज मैक्सिमम। अब जैसा यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि टाटा ईएलएक्सी 1995 से लेके 2013 तक कुछ खास मूवमेंट उसके अंदर नहीं थी। उसमें बड़े वॉल्यूम्स 2013 के बाद आए, कुछ उसने यहां पे एक बुलिश एंगलफिंग विथ अ वेरी बिग वॉल्यूम बनाया है, और उसके बाद से शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, राइट? ऐसा क्या हुआ जो पिछले 17 साल से टाटा एलेक्सी में नहीं हुआ, ऐसा 2013 में क्या हुआ, यह हमें देखना होगा दोस्तों। क्यों 2013 में 300 रुपए से टाटा एलेक्सी 2000 रुपए तक चला और अब ये करेक्शन मोड में है, तो हमें क्या इससे डरना चाहिए कि शेयर टूट रहा है, क्या करना चाहिए? आइए सबसे पहले ये जानते हैं, ये पता लगाते हैं कि टाटा एलेक्सी ने 1995 से 2013 तक क्या किया। ये हमें कौन बता सकता है? बीएससी इंडिया की साइट। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए बीएससी इंडिया में हम लोग टाटा एलेक्सी फीड करते हैं। टाटा एलेक्सी, तो टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग यहां पे चेक करेंगे। टाटा एलेक्सी का टर्नओवर 2013 में 600 करोड़ था, और वो 600 करोड़ का टर्नओवर आज बढ़ते हुए 2017 में 1200 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट देखिए, डेप्ट तो डेप्ट फ्री कंपनी है टाटा एलेक्सी, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वंडरफुल कंपनी, कोई डेप्ट नहीं है। 31 करोड़ की इक्विटी पे आज 173 करोड़ का प्रॉफिट कर पाती है, सो दे आर गुड मूविंग। अच्छा मार्जिन है, पर यह मार्जिन पहले नहीं था। तो 2013 से इसने मूवमेंट दी है, तो क्यों दी है यह हमें इसके प्रायर पीरियड से पता लगाना होगा, राइट? कैसे? चलिए, इसकी क्या मूवमेंट थी 2013 से पहले, इसके रिजल्ट हमें यहां पे मिलेंगे। पर आज अगर मैं ये सारी चीज आपको इसी रिकॉर्डिंग में बताऊंगा तो बहुत टाइम बिगड़ेगा। हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है जिसमें से आप जान सकते हो कैसे पिछले रिजल्ट चेक किए जाते हैं, पर इन सब का टोटल करते हुए मैंने ये एक्सेल सीट बनाई है, जहां पे आप देख पाओगे दिस ए कॉलम इज ईयर 2000 से लेके 2017 लिखा हुआ है। बी कॉलम में मैंने टर्नओवर डाला है, रेवेन्यू, कि भी टाटा एलेक्सी 2000 के साल में 137 करोड़ का टर्नओवर करता था, जो आज 1200 करोड़ का टर्नओवर करने लगी है। सो कंपनी इज वेरी गुड ग्रोइंग, राइट? तो एक तरफ मुझे ये लगना चाहिए कि टाटा एलेक्सी तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है, 137 से लेके 2007 में ये 300 करोड़, 2010 में 400 करोड़, तो कंपनी तो ग्रोइंग है। फिर ये 1995 से लेके 2013 तक क्यों नहीं चली, और अचानक 2013 से इसने मूवमेंट दी? इसका जवाब मुझे यहां पे मिलेगा डी कॉलम में, जो है नेट प्रॉफिट। कि टाटा एलेक्सी भले अच्छा टर्नओवर करती थी, पर अपने प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती थी, राइट? आप देखोगे कि 2013 से पहले नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं था, कभी 11 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी वापस 11 करोड़, राइट? तो टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट एक रेंज में था, जिसके कारण टाटा एलेक्सी का शेयर एक रेंज में था,
ये रेंज इसने ब्रेक इसलिए की 2013-14 में, क्योंकि टाटा ईएलएक्सी के प्रॉफिट ने रेंज ब्रेक की। पहली बार 13-14 में टाटा ईएलएक्सी ने नेट प्रॉफिट 75 करोड़ किया, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट था, और इसीलिए टाटा ईएलएक्सी के शेयर ने ब्रेकआउट दिया। फ्रेंड्स, शेयर्स कुछ इस तरह से चलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जो बरसों तक एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। ये शेयर्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया वाले शेयर कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स इनका एक सपोर्ट होता है और ये रेजिस्टेंस की रेंज में चलते जाते हैं। क्यों इनकी ये रेंज होती है? क्योंकि इनके जो प्रॉफिट है वो भी इसी तरह की एक रेंज में होते हैं। 10 से लेके 50 करोड़ तक की रेंज में प्रॉफिट चलते थे, जिसके कारण इसके भाव भी कुछ इसी प्रकार के थे। कभी भी कोई भी शेयर एक रेंज में इसीलिए होता है क्योंकि उनके प्रॉफिट भी उसी प्रकार के होते हैं। अब आपका ये शेयर ये रेंज को ब्रेक करके बाहर कब निकलता है? जब उसका प्रॉफिट रेंज तोड़ के बाहर निकलता है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट बढ़ा, साथ ही में टाटा एलेक्सी ने ब्रेकआउट दिया। याद रखिए दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपके शेयर एक रेंज को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं, तो ये रेंज बाउंड की दुनिया से बाहर निकल के एक नई दुनिया में आते हैं, जिसको कहते हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। ये रेंज में आने के बाद आपके शेयर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना 2 या 3 साल में हो जाते हैं। वो ये करते हैं जो पिछले 15 साल में नहीं देखा होता है, वो ये सिर्फ 2 या 3 साल में कर देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वो शेयर है जो बरसों तक नहीं चलते थे, उनके प्रॉफिट भी एक ही रेंज में रहते थे। कंपनी के प्रॉफिट में जब ब्रेकआउट आता है, साथ में उनके भाव में ब्रेकआउट आता है दोस्तों, राइट? कम ऑन, अब हम लोग इसका अगेन नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। आप देखोगे टाटा इलेक्सी की रेंज क्या थी, तो मैं इसको थोड़ा यहां पे नजदीक पे लाऊं। तो देखिए, टाटा इलेक्सी कौन सी रेंज में घूमता था? 200, 300 से 50 तक टूटता था, 30 तक टूटता था, वापस 350 हो जाता था, वापस 50 तक टूटता था, वापस 350, वापस 50। इसकी ये रेंज इसलिए थी क्योंकि इसका प्रॉफिट एक रेंज में था, करेक्ट? अब जब इसने एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 300 से ये 2000 हुआ, तो ये 300 से 2000 इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद हर साल टाटा इलेक्सी का प्रॉफिट बढ़ा है, करेक्ट? तो इसको एक पैटर्न समझिए। वापस मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। अच्छे शेयर्स एक रेंज को ब्रेक करते हैं, फिर एक बढ़िया रैली करते हैं। ये रैली डबल, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कितनी भी हो सकती है। उसके बाद ज्यादातर लोग रैली में एंटर होते हैं और बहुत से लोग ऊपर के लेवल पे बुरे फंसते हैं अच्छे शेयरों में, राइट? पर कोई भी शेयर जो रैली मोड में होता है वो वापस से आराम मोड में आता है। हमें शेयर्स को यही आराम मोड में अगेन बाय करने चाहिए, क्योंकि आराम मोड के बाद अगेन क्या आएगा? रैली। रैली के बाद अगेन क्या आएगा? आराम मोड, राइट? ऑलवेज वी शुड बाय ड्यूरिंग दिस लोअर लेवल्स। इट्स क्लियर? कभी भी रैली में बाय करेंगे तो हो सकता है आपका शेयर बहुत समय तक आराम करे। अब ये बुरी बात नहीं है, हो सकता है आप शेयर लोगे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं चलते हैं, पर ये एक ही साल में इतने चलेंगे जो ये बरसों तक नहीं चलते हैं। आपने पहले देखा, 17 साल तक टाटा इलेक्सी नहीं चला था, अचानक 2 साल में वो ऑलमोस्ट 7-8 गुना बढ़ा, वापस 2 साल से आराम कर रहा है। अगेन इसकी जो रैली आएगी वो ऐसी ही बेहतरीन रैली आएगी। तो हमें आराम मोड पे शेयर्स को इकट्ठे करते रहने चाहिए, राइट? अगेन बैक टू बैलेंस शीट। टाटा ईएलएक्सी 15% का उसका रेवेन्यू का ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह से टाटा ईएलएक्सी ग्रोथ करता है, तो ये मैंने एस्टिमेट दिया हुआ है, 2025 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये
कुछ 3,500 करोड़ का टर्नओवर करती होगी कंपनी। उसी तरह से अगर प्रॉफिट को हम लोग देखें तो प्रॉफिट टाटा एलेक्सी का अंदाजित 28% से ग्रोथ हो रहा है। अगर यही ग्रोथ हम लोग देखें आने वाले समय में, तो आज 173 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी कल की 1200 करोड़ का प्रॉफिट करती होगी, राइट? ये अमेजिंग लगता है, लेकिन आप जरा वापस पास्ट देखिए। 2000 में यही कंपनी 130 करोड़ का टर्नओवर करती थी और आज 173 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है दोस्तों। इसी तरह से ये सारी कंपनियां चलती है, और इसी तरह से जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, हम लोग इसकी रेंज भी बड़ी देखते जाएंगे। एस्टिमेट ले सकते हैं कि यही कंपनी 2024-25 में 5,000 से लेके 10,000 की रेंज में चलती हो। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, लोअर लेवल पे ऐसी कंपनी को इकट्ठी करे, करेक्ट? देखिए, एक मैं पैटर्न बताता हूं आपको। यहां पे शेयर्स अच्छे रेंज में रहेंगे, बढ़िया चलेंगे, फिर वो नंबर वन टाइप ऑफ करेक्शन हुआ तो वो इस तरह से करेक्ट करेंगे। कुछ स्टॉक देखने हैं आपको ऐसे करेक्शन वाले। चलिए, एक तो मैंने आपको अभी यही टाटा ईएलएक्सी का उदाहरण बताया, ये investing.com है। मैं आपको investing.com में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां बोनस स्प्लिट एडजस्ट हो चुका होता है। देखिए, रैली वापस आराम।